हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, होम श्रृंगार चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ होम डेकोर के प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूं और मैं जो भी प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको पहले भी हॉल्स में दिखा रखे हैं, पर ये सारा एक रिकैप वीडियो है। इसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको मैं फटाफट दिखाऊंगी और इनके बारे में भी बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद कैसे रहे। इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर मैंने पहले भी अपलोड किए हैं और आप सबने काफी पसंद भी किया है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये एक ब्रास का मिरर है और काफी खूबसूरत सा है। केवल 700 रुपीज में इसको मैंने लिया है। सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से लिए हैं, तो सारे रीजनेबल प्राइस पे मिले हैं। मीशो पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो काफी रीजनेबल मिल जाते हैं। सेम वही प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे काफी कॉस्टली मिलते हैं, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो सेम ही होती है, तो आप मीशो से बिना डरे खरीद सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये एक मिरर है और लगभग ये 2 फिट का साइज है इसका। चलिए इसको मैं आपको वॉल पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। आजकल इस टाइप के मिरर्स काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैंने अपने इस हॉल में काफी सारे मिरर्स भी लिए हैं, तो बताइएगा आपको कौन सा मिरर ज्यादा पसंद आया। चलिए नेक्स्ट मिरर को भी ओपन कर लेते हैं। और ये जो मैं मिरर दिखा रही हूँ ये थोड़ा एंटीक लुक में है। पहले जो मिरर दिखाया था उससे इसका साइज बड़ा है। 727 रुपीज में इसको मैंने लिया है। काफी खूबसूरत सा लुक देता है, साइज भी बड़ा है। पीछे के साइड से भी आप देख सकते हैं अच्छे से इसको लॉक किया गया है। हैंग करने के लिए एक हुक भी दिया है, तो इसको आप वॉल पे इजिली हैंग कर सकते हैं, गिरने का भी डर नहीं है। चलिए इसका भी वॉल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगला जो मिरर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये भी काफी खूबसूरत सा है, ब्रास में है और ये वाला मिरर काफी ट्रेंडिंग भी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। और देखिए ये कुछ इस टाइप का है, इसमें कुछ लीफ का पैटर्न बना हुआ है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अमेजोन पे इसका प्राइस काफी ज्यादा है, तो वहां से बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसको आप मीशो से ले लीजिए, अच्छा मिलेगा। और देखिए वॉल पर भी लगने के बाद ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये भी एक मिरर ही है, पर ये रॉट आयरन के बने हुए हैं और ये सेट ऑफ 3 में है। 745 रुपीज में इसको मैंने लिया है। बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल साइज का डिजाइन है। इस टाइप के मिरर्स काफी टाइम से ट्रेंड में रहे हैं और ये कभी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होते हैं। इसमें भी हैंग करने के लिए हुक दिया हुआ है। और देखिए ये मैंने आपको एक मिरर खोल के दिखाया है, बाकी जो मिरर हैं वो दोनों भी सेम ही डिजाइन के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम साइज में आते हैं, तो इसको आप किसी भी तरह से किसी भी पैटर्न में वॉल पर लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको वॉल पर हैंग किया है। अगला प्रोडक्ट खोलते हैं और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी एक मिरर का ही सेट है, पर इसका जो लुक है वो थोड़ा सा मॉडर्न है पहले वाले से। पहले वाले थोड़े ट्रेडिशनल थे और ये थोड़ा मॉडर्न लुक में है, देखिए इस टाइप से है। 699 रुपीज में इसको मैंने लिया है। ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने अमेजोन से लिया है, ये मीशो पर नहीं मिलेगा आपको। पीछे की साइड में इसमें मिरर है और आगे की तरफ MDF बोर्ड से कटिंग करके इसको बनाया गया है, तो इसको भी आप किसी भी पैटर्न में वॉल पर लगा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी एक रॉट आयरन का एक शोपीस ही है, इसको आप किसी पिलर वगैरह पे लगा सकते हैं। 259 रुपीज का इसको मैंने लिया है, किसी भी नैरो एरिया में इसको आप लगाएंगे तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक सिरामिक का हीट डिफ्यूजर है, ये बुद्धा के फेस में बना हुआ है, काफी अच्छा दिखता है। ऊपर इसमें एक कटोरी टाइप की दी होती है, नीचे ये एक एलिमेंट होता है, ये गर्म होता है तो ऊपर हीट हो जाती है। जो ये कटोरी टाइप की है इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना होता है और इसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर लीजिए, 2-3 ड्रॉप डालना ही काफी होता है और इससे आपका पूरा घर खुशबूदार बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगता है। लुक वाइज भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव सा है और इसका प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं है, मार्केट में काफी कॉस्टली मिलता है। अमेजोन पे मैंने 424 रुपीज में है, मीशो पे 345 रुपीज में ही मिल जाएगा और अमेजोन पर भी लगभग इतने का ही है, तो आप जहाँ से चाहें वहां से ले सकते हैं, तीनों जगह सेम प्राइस है। इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी मंगाए हैं, देखिए 6 ये बॉटल्स हैं और काफी सारे इसमें अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं, तो इसको भी आप इसके साथ में जरूर परचेज कर लीजिए।
अगला जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने भी मैंने आज आपको प्रोडक्ट दिखाए उसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए, ये एक धूपदानी है, ब्रास की है, प्योर ब्रास की बनी हुई है, कोई पॉलिश नहीं है। और सबकी मैंने आपको प्राइस दे दिए हैं अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट के। साइज़ देखिए कितना बड़ा है इसका। सामने जो डिफ्यूज़र दिख रहा है उससे थोड़ा सा ही ये छोटा है। और मैं आपको और दिखा देती हूँ साइज़ इसका। देखिए, मैं हाथ पर रख कर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरे बिल्कुल हाथ के साइज़ का ही ये बन रहा है। क्वालिटी में आपको इसकी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये धूपदानी। इसको आप मंदिर में तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि ये एक धूपदानी है। इसको आप और भी कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कपूर वगैरह भी लगाकर रख सकते हैं, इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती है घर में। और देखिए, इसका धुआं भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं तो इसको किचन में भी जलाकर रख देती हूँ, इससे काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह भी चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये भी एक मिरर वाले स्टिकर ही है और ये सेट ऑफ 8 में मैंने लिए हैं। इसको केवल पील करके वॉल पर लगा देना होता है, स्टिक करना होता है। जिस पैटर्न में चाहें उस पैटर्न में इसको आप लगा सकते हैं। काफ़ी मॉडर्न लुक देते हैं ये वाले स्टिकर्स। अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए, ये भी ब्रास की उरली का सेट है और ये सेट ऑफ 3 में मैंने लिया है। दिवाली डेकोरेशन में या गणपति डेकोरेशन या कोई भी फेस्टिवल हो उसमें इस टाइप की उरली काफ़ी अच्छी लगती हैं। और देखिए, तीनों के साइज सेम ही हैं, बस जो इनकी ऊपर नीचे वाली रॉड्स हैं वही छोटी बड़ी हैं, बाकी फ्लावर्स जो हैं वो सेम ही साइज़ के आते हैं। देखिए, मैंने तीनों को ओपन कर लिया है। चलिए, मैं इनको इंस्टॉल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंस्टॉल होने के बाद ये कैसे लगते हैं। तो सारे स्टैंड में मैंने इस रॉड को कस लिया है, बहुत इजीली ये इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और देखिए, ऊपर नीचे कसने के बाद हमारी जो उड़ली है वो रेडी हो गई है। सिर्फ इसी तरह से हमको तीनों को सेट कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, सेट होने के बाद ये उड़ली कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी इनको ले सकते हैं, प्राइस भी इसका काफ़ी रिजनेबल है। और देखिए फ्रेंड्स, अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये एक MDF का कटआउट बोर्ड है, 199 रुपीज़ में इसको मैंने लिया है। इसको मैं अपने होम एंट्रेंस पर लगाने वाली हूँ। MDF की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पीछे की साइड से आप देख सकते हैं हैंग करने के लिए एक डोरी लगाई गई है, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। इसको मैंने अपने एंट्रेंस जो डोर है उस पर कुछ इस तरह से हैंग किया है। अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो भी सेम इसी टाइप का एक MDF बोर्ड का कटआउट ही है। इसको भी फ्रेंड मैंने 199 रुपीज़ में लिया है। ये भी आपको मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट तीनों पर ही मिल जाएगा। और इसको मैंने किचन में लगाने के लिए लिया है। हमारा सारा टाइम किचन में ही लगता है, तो किचन को भी क्यों ना थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाया जाए। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें लगा देने से हमारा किचन काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और हमारा वहाँ काफ़ी मन भी लगता है। तो इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको भी हैंग करने के लिए डोरी दी है, इसमें कॉटन की डोरी नहीं है, एक स्टील की चेन दी है, तो आप किसी नेल वगैरह को लगाकर इसको किचन में कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चों के रूम के लिए मैंने लिया था और इससे बच्चों की हाइट मेजर की जाती है। अगर आपके घर में भी ग्रोइंग किट्स हैं तो इसको आप ले सकते हैं। ये मैंने यूनिकॉर्न का लिया है क्योंकि मेरी बेटी को यूनिकॉर्न के टॉयज काफ़ी पसंद है, तो मैंने यूनिकॉर्न थीम उसके रूम की रखी है, तो इस टाइप का आप ले सकते हैं। कई इसमें कई सारे स्टिकर्स भी आते हैं साइड में लगाने के लिए और थोड़ा ये मैग्नेटिक होता है, 1 इंची टेप भी आता है मेज़र करने के लिए, तो वॉल पर हमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उस हिसाब से इसको स्टिक करना होता है। ये जो मैं आपको टेप दिखा रही हूँ ये मैग्नेटिक टेप है और जो यूनिकॉर्न का कटआउट है ये इस पर अच्छे से स्टिक हो जाता है। हाइट मेज़र ना बहुत अच्छा है, बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है, इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, देखिए, रॉट आयरन का एक की होल्डर है, 399 में मैंने इसको लिया है। और देखिए, ये जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये किसी भी वॉल को डेकोरेट करने के लिए आप ले सकते हैं, 200 रुपीज़ में इसको मैंने लिया है। फेस्टिवल्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गृह प्रवेश वगैरह हो किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, ये एक ब्रास का टी लाइट होल्डर है, 258 रुपीज़ में इसको मैंने लिया है। हैंग करने के लिए एक चेन दी गई है, कोई सॉकेट लगाकर आप इसको हैंग कर सकते हैं। लुक इसका काफ़ी मॉडर्न है, तो मेरे घर में तो एक ब्रैकेट था, मैंने उस पर इसको लगा दिया है। आप अलग से भी कोई ब्रैकेट ले सकते हैं और ये हैंग होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये सेंटेड कैंडल्स हैं और ये जेली की बनी हुई है, मतलब एक टाइप का जेल है इसके अंदर। प्लास्टिक का इसका जो कंटेनर है ये प्लास्टिक का है, कांच का नहीं है, तो टूटने का डर नहीं है। और फ्रेंड्स, ये एक बार अगर आप जला देते हैं तो बहुत लंबी चलती हैं, 122 रुपीज़ में मैंने ये 6 कैंडल्स ली हैं, काफ़ी लंबी चलती हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं।
अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, देखिए टेबल रनर है। इसको आप अपने डाइनिंग टेबल वगैरह पे लगा सकते हैं। कॉटन के क्लोथ का बना हुआ है। 284 रुपीस में इसको मैंने लिया है। डाइनिंग टेबल पर काफी अच्छा दिखाई देता है। इसमें आपको और भी सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो पसंद हो उसको आप परचेज कर सकते हैं। अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, देखिए ये मोगरा लड़ी है और ये मैंने 515 रुपीस की सेट ऑफ 8 लिए हैं। मार्केट में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है, ऑनलाइन जब भी आप इनको लेते हैं तो ये काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। आपके घर में कोई फेस्टिवल है, कोई भी ओकेजन है, तो उसमें आप इसको डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। और सेम इसी टाइप का मैंने एक बंधन वार लिया है, 302 रुपए का इसको मैंने खरीदा है। और इसको आप किसी भी डोर वगैरह पे लगा सकते हैं। एंट्रेंस पे ये काफ़ी अच्छा दिखता है, डोर के साइज से तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप किसी और एंट्रेंस वगैरह पे लगा सकते हैं। फ्लावर्स का साइज काफ़ी बड़ा है, छोटा बिल्कुल भी नहीं है। लड़ियों का साइज भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप लगा सकते हैं डोर पर लगा कर। देखिए मैंने आपको दिखाया है, तो इस तरह से डोर पर फिट हो गया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए ये MDF के बने कटआउट का सेट है। 5 कटआउट का ये सेट आता है और मैंने गौतम बुद्धा वाला ये सेट लिया है। इस पे टेप लगे हुए थे, वो कुछ अच्छे से स्टिक नहीं थे, तो मैंने एक अलग से स्कॉच का टेप लिया है और इसको मैंने इस पर स्टिक कर दिया है। प्राइस वाइज फ्रेंड्स ये काफी रीजनेबल है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। और जो इसका लुक आता है वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतने कम प्राइस में हमको इतनी अच्छी चीज मिल जाती है। केवल 316 रुपीज में इसको मैंने लिया है, तो इसको आप भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक देता है ये वॉल पर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाए आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।